ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको सीधा ले चलते हैं लक्ष्मणगढ़, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा जनसभा में शिरकत कर रहे हैं। मेरे भाई आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, भाई जिग्नेश मेवानी जी, हमारे पारिक साहब राजेंद्र जी पारिक साहब, हमारे महेंद्र गहलोत जी, हमारे ढूंगराम गेदर जी, हमारे जिला अध्यक्ष बहन सुनीता जी, हमारे पूसाराम जी, हमारे जीवन खा जी, हमारे कांता प्रसाद जी मोर साहब, मेरे बड़े भाई शबनम गोदारा जी, रमेश खंडेलवाल जी, हमारे जेदिया साहब और तमाम सम्मानित मंच और आदरणीय मेरा हिवड़े से प्यारा लक्ष्मणगढ़ का लोगा। मैं 5-7-10 मिनट के मायने मेरी बात कह दूंगा, क्योंकि मैं तो बोल तो ही रही हूं भाई। अच्छा एक बात बताओ, आईईडी बोलबा के चक्कर में ही तो आ रही है। गोविंद डोटासरा ने कभी जिंदगी में कोई गलत काम न किया है न करेगा, लेकिन जब बीजेपी के लिए आरएसएस के लिए बोलूं तो ईडी भी आवेगी, सीबीआई भी आवेगी, इनकम टैक्स भी आवेगो। लेकिन मैं थाने एक बात आज कहना चाहूं, रंधावा साहब एबे लोग है जका एक किसान के बेटे ने, एक मास्टर के बेटे ने 2005 के मायने पहली प्रधान बनायो, 2008 में डिलिमिटेशन के बाद में जब जनरल सीट हुई तो गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी टिकट दी। आदरणीय मोरदिया साहब अठा से एमएलए हुआ करता, नारायण सिंह जी मोरदिया साहब और तमाम कांग्रेस के नेता मन आशीर्वाद दे रठिया के बीच में भेजो के कांग्रेस की टिकट के ऊपर 2008 में तन विधायक को चुनाव लड़नू है। मैं एक ही वादो करियो आज से रंधावा साहब कि मैं आपको मान सम्मान रखूंगा, मेरो हुतो काम करूंगा, आपको नाम रोशन करूंगा और लक्ष्मणगढ़ में विकास की गंगा बहाऊंगा।